व्हाट्सएप गाइस, मेरा नाम है संजय और आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप इस व्हाट्सएप एरर को फिक्स कर सकते हैं। ये रिलीज़ हुआ था जनवरी 13, 2018 को, तो चलिए देखते हैं इससे कैसे फिक्स करना है। तो जैसे ही मैं डाउनलोड बटन पर प्रेस करता हूँ, मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि हैं गूगल प्ले स्टोर के, MI ऐप स्टोर के और शॉर्ट के। तो दोनों में से मैं गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ और गूगल प्ले स्टोर पर मेरी व्हाट्सएप ऐप खुल जाती है। यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और वो है अनस्टॉल और ओपन। यहाँ पर कहीं भी अपडेट का ऑप्शन नहीं दिखता है मुझे। तो फिर हम किस तरह से इसे अपडेट करें? काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आपको करना इसमें कुछ नहीं है। आपको डायरेक्टली जाके खोलना है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में आपको एक वेबसाइट पर विजिट करना है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में से ओपन कीजिए और डाउनलोड नाउ बटन पर प्रेस कीजिए। इतना सिंपल ये प्रोसेस है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको ये APK फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो एक रेगुलर अपडेट की तरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ये अपडेट हो जाएगा और इसमें आपका ना तो कोई चैट डिटेल्स डिलीट होंगी, ना ही कोई फोटोज़ डिलीट होंगी व्हाट्सएप के। सारा डेटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा। ये बिल्कुल ऑथराइज्ड वेबसाइट है whatsapp.com, तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंस्टॉल बटन प्रेस कीजिए और ये अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं वापस से अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेगुलर लास्ट टाइम के जैसे वर्क कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।